पैसा चाहिए भाई, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे दो हमसे जो मर्जी करवा लो, हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हकीकत जो ये है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस पैसे दो जो मर्जी करवा लो, चाहे आप, हम बेसिकली हम, मैं और आप, हम खुद सही नहीं। नमस्कार दोस्तों, या एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से आपके लिए मजेदार वीडियो लेके आया हूं और ये इतनी मजेदार है कि देखते देखते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। और वीडियो कहां से, अपने वहीं से, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। आप वीडियो को देखिए, फुल इंजॉय कीजिए और यकीन मानिए वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए पहले कह रहा हूं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। Hey, y'all, come look at this. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं? गारमेंट्स का होलसेल का बड़ा बिजनेस है। गारमेंट्स का होलसेल का बिजनेस है। मेरा टॉपिक ये है कि अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप, जो कि आईएसआईएस का माउथपीस कहा जाता है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के तालिबान हो, वो इंडियन प्रॉक्सी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में इस टाइम अटैक हो रहे हैं तालिबान की तरफ से, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कौन जिम्मेदार है, इंडिया इन्वॉल्व है, आपको क्या लगता है? हमें झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मुझे जो मेरा अपना राय है ना, इंडिया या पाकिस्तान, ये हम खुद ही अंदर से करवा रहे हैं। हमें इल्जाम तो किसी ना किसी को देना ही है ना, किसको दें? हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है, कभी हम कहते हैं वंशा हमारे साथ सही नहीं है, कभी अमेरिका का भी, हाँ कभी हम दूसरों का नाम ले लेते हैं। बेसिकली हम खुद नहीं सही, हम अपना जो बोझ है ना किसी और पर डाल लेते हैं। अपने गलती को शायद ठीक करना नहीं चाहते, और यही तो हर मुसलमान के साथ हो रहा है। हम अपने आप को गलत कहते नहीं है, दूसरों को हमने गलत कहना है। ठीक हो गया थोड़ा सा इधर। अच्छा, गलत दूसरों को कहना है, बेहतरी कैसे आएगी? दूसरी तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से, ये मीडिया ग्रुप की तरफ से, अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप की तरफ से, आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? इंडियन प्रॉक्सी हैं जो तालिबान है, पाकिस्तान के हों या ये अफगानिस्तान के हों, हो सकता है उनका भी हो सकता है, लेकिन हम जो भी हमने मुद्दा डालना, या इंडिया पे डाल लेते हैं या उन पे डाल लेते हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं करना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे अपने आप को ठीक कैसे करें, कैसे अपने रिलेशन नेबर्स के साथ हमें करना चाहिए, यही तो हमें सोचा, हम कैसे करें। वैसे एक तरफ हम कहते हैं मुसलमान जो है, इस्लामिक उम्मा है पूरी दुनिया में, जो मुसलमान एक ही, हम एक हो जाएं। अब तुर्की करना चाह रहे ना, एक उनका खत्म हो गया 2023 में, उनका मुआहिदा खत्म हुआ है, और उनका यही चाह रहे हैं कि वो मुसलमान एक हो। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, हम कामयाब नहीं है। वो यूदी हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? इधर मुसलमान से लड़ा, अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं है उधर तो, बल्कि मैं कहता हूँ वो ज्यादा बेहतर है हमारे से, वो कुरान शरीफ सारा कुछ वो ज्यादा करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ ठेका तो हमने ज्यादा मजहब का लिया, ठेका हमने उठाया हुआ है, हालांकि कर वो रहे हैं, सही वो है, हमने मुद्दा अपना, हम है मुसलमान, हम ही है सिर्फ। अच्छा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी, तब पाकिस्तान की पब्लिक हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, एक पॉजिटिव सा, एक मतलब खुशी वाला एक माहौल था कि जी हमने अमेरिका को, अफगानिस्तानियों ने अमेरिका को हरा दिया, इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया। आज वही अफगानी जिन्होंने अमेरिका को हराया बकौल हमारे, आज वही हमें हराने के ऊपर लगे हैं, क्या वजह, क्यों हमसे नाराज हैं? और लेट्स सपोज अगर इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ रिलेशन उनके बेहतर हैं, उसकी क्या वजह? मेरे हिसाब से यही नहीं, अभी और सुनिए, अफगानियों को पता चल गया कि हम अंदर से अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता है, उनको अब बादशाह साहब, उनको अब हुकूमत में अब आए हैं, वो अब देख रहे हैं कि ये अमेरिकी मुसलमान हमारे मुसलमान, उनका साथ दे रहे हैं बजाय ऊपर से ना, भाई बस हमें उनका साथ देना चाहिए। इमरान खान भी यही चाह रहा था, लेकिन अब वो भी पता नहीं क्या क्या गेम है। अभी पाकिस्तान में भी ये बातें चल रही है मीडिया पे कि जी अमेरिका ने फिर से अड्डे मांगे हैं, दे दी है, सुनने में यही आया अभी, हमें तो मीडिया जो बताता, हमने तो वही दिया के थ्रू दिए या नहीं, अंदर की गेम क्या है ये तो अब कौन जानता है। ठीक हो गया, ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स ये साले बैठे हैं, ये क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ, किसी को पता पाकिस्तान में? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, क्या हो रहा है, क्या हम मुसलमान, हमें क्या गोश्त का पता है क्या रेट है, ऐसे ही है, महंगाई ज्यादा, और हम उनको हमारे हुक्मरानों को कितने रुपए दर्जन इस टाइम मिल रहे हैं आपको आइडिया? 280 या 300 प्लस हो गए, 100 रुपए दर्जन, 525 रुपए गोश्त का रेट है आज का, तो हमें उनको ये नहीं पता कि लोग कैसे जी रहे हैं, उनको ये पता है मुर्गी का गोश्त बता रहे हैं ना, 500 सिर्फ हमारे हुक्मरानों को अपनी अपना इकदार चाहिए, बस उनको नहीं चाहिए आवाम क्या कर रही है, कैसे खा रही है, कैसे पी रही है। मेरे भाई ये बात, बात
बातें सारी होगी, डेली हम यही बातें करते हैं कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं। मुझे ये बताएं ये सारे मामलात में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं हो रहा दिन ब दिन? दिन ब दिन हमारा मजाक नहीं बन रहा सर, हमारी फौज का भी हमारा भी, हम मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। और कर कौन रहा है? हम खुद कर रहे हैं, हमें से करवाया जा रहा हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पीछे जो लोबी लगी हुई है ना बड़ी देर से, आज से हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हम फिर पैसा चाहिए भाई, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे दो हमसे जो मर्जी करवा लो, हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हकीकत जो ये है हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस पैसे दो जो मर्जी करवा लो। हम बेसिकली मैं और आप हम खुद सही नहीं है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, मैं और आप से मतलब इनका शायद पब्लिक है, कि मतलब पब्लिक कोई भी है कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हम हक बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, वो हमारे पे ब्लेम ना लगे। यार आज मुझे हमें पैसे दो ना यार, ये काम करना हमने वो कर देना, हमने नहीं देखना, ये हमारे कानून में है, हक है, ये सही है। अच्छा इंसान है वो तो देखेगा कि नहीं यार पैसे क्या, मैं तो नहीं करूँ, 10% लोग हैं अल्लाह पाक उसकी वजह से सिस्टम चल रहा है। हालांकि इंडिया ना मुसलमान नहीं है वो, लेकिन वो अपने मुल्क का सोचते हैं। आज आप अपने घर के सामने ना अच्छे से 15-20 गमले रख लो, कोई क्यारी बना लो, तीन दिन में वो आपको गायब नजर आएंगे। ठीक है, इंडिया में वैसे मुसलमान जाके ठीक हो जाते हैं, मुसलमान हम सऊदी अरब जाते हैं ना, हम वहाँ वायलेशन करते हैं कोई नहीं करते, नहीं वायलेशन तो हर कंट्री में होती है, लेकिन इस एवरेज में नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, हर जगह भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक ठाक।